आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। देशभर में बने मौसमी सिस्टम, एक चक्रवाती हवा पूर्व उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में चक्रवाती परिसंचरण में एक तरफ हवा असंतुलनता, निचले स्तरों में मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना से गुजरते हुए उत्तर आंध्र कर्नाटक तक फैली हुई है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी बांग्लादेश और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्व बिहार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति देखी गई और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और पूर्व मध्य प्रदेश में एक या दो स्थानों पर हीट वेव की स्थिति देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.